हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्यूटी आफ्टर स्कूल के एपिसोड 9 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। पिछले एपिसोड की लास्ट में हमने देखा था कि सभी बच्चे वहाँ से भाग गए थे, लेकिन वो अपनी बंदूक वहीं भूल जाते हैं। तो वो लोग बाहर निकल कर काफी खुश होने लगते हैं और उनकी बंदूक उठा लेते हैं। फिर हम एक कैदी को देखते हैं जो कि इनका बॉस जैसा था, और वो उन्हें कहता है कि वो लोग दूर नहीं गए होंगे और वो इस लड़की को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे, तो तुम लोग उन सभी को मार देना, पर लड़कियों को मेरे पास लेकर आ जाना। ये सुनकर एसोल घबराने लग जाती है। हम देखते हैं उनमें से एक कैदी अच्छा होता है, वो ये सब नहीं करना चाहता था और वहाँ से जाने लगता है, पर उनका बॉस उसकी फैमिली के नाम पर उसे वहीं रोक देता है। उसके बाद ये सभी कैदी अलग अलग होकर उन बच्चों को ढूंढने लग जाते हैं। तभी उनमें से एक कैदी के सामने एक एलियन आ जाता है। उसको पता तो था नहीं कि ये क्या है, और तभी वो एलियन उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे वहीं मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एक कैदी एसल को एक कमरे में लाता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। तभी वो साइड में एक बॉक्स से उसके सर पर मारती है और वहां से भागकर दूसरे कमरे की अलमारी के अंदर छुप जाती है। वो कैदी उस कमरे में आकर उस अलमारी को तोड़ने की कोशिश करता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और तभी वो देखता है कि ऊपर से कुछ नीचे गिरा और फिर वो एलियन उसके ऊपर अटैक कर देता है, तो वो बचकर वहां से भागने लगता है। वो एलियन के ऊपर गन चलाने की कोशिश करता है, पर देखता है कि गन खाली है, और बगल के कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलियन उसे वहीं मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग उस बिल्डिंग से उन पर नजर रख रहे थे और सोच रहे होते हैं कि क्या एसोल ठीक होगी। और हम देखते हैं जब इन्हें एलियन के बारे में पता चला था, तब उन्होंने एक प्लान बनाया था। उन सभी ने अपनी बंदूकों की गोलियों को बाहर निकाल दिया था और हीरा गौरव को कहा था कि तुम लोग कुछ टाइम के लिए एलियन को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करना और तब तक हम एसोल को बचा लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब वो लोग उन कैदियों के लिए गेट खोल रहे थे, तभी यंगशिन एसोल को इशारे में बताता है कि इस तरफ चार एलियन आ रहे हैं। तो एसोल वो याद करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। उसके बाद दो और कैदियों के सामने भी एलियन आ जाता है और उनमें से एक पर अटैक करने लगता है। जब दूसरा उसके ऊपर शूट करने की कोशिश करता है, तो वो देखता है कि उसमें गोली ही नहीं है, और फिर वो वहां से भाग जाता है। फिर उसके बाद वो एलियन उस बॉस और के ऊपर भी अटैक करने लग जाता है, तो वो उसे अकेला छोड़कर वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हीरा गौर उन एलियन को अपने पीछे बुला रहे थे और बाकी लोग धीरे धीरे एसोल को अंदर ढूंढने चले जाते हैं। वो लोग रास्ते में पड़ी अपनी बंदूकों को भी उठाते हैं। वो देखते हैं कि उनमें से काफी कैदियों को उन एलियन ने मार दिया था, पर उन सभी को वहां पर एसोल नहीं मिलती। हम देखते हैं एसोल किसी तरह बाहर पहुंच जाती है और तभी उसे बोरा की आवाज़ सुनाई देती है। तो जब वो दौड़कर जा रही थी, तभी उन्हें एसोल मिल जाती है। उसके बाद जब वो वहां से जाने लगते हैं, तभी वहां पर एलियन भी आ जाते हैं, तो वो लोग उन्हें आगे जाने के लिए बोलते हैं। तभी भागते हुए उनके सामने वो बॉस कैदी आ जाता है और उनके ऊपर फायर करता है। उसके बाद जब वो एसोल को मारने वाला था, तभी बोरा उसे बचा लेती है, और जैसे ही वो बोरा को मारने वाला था, तभी एसोल उसके ऊपर मिट्टी फेंक देती है। इतने में वहां पर दूसरा कैदी आ जाता है और नीचे से बंदूक उठा लेता है। वो बॉस कहने लग जाता है कि इन लोगों को मार दो, पर फिर वो उसी की तरफ बंदूक करके उसे ही मार देता है और गन नीचे फेंक कर वहां से जाने लगता है, और सभी ये देख रहे होते हैं। फिर हम बेस का सीन देखते हैं जहाँ पर दूसरे स्कूल के बच्चे वापस से सियोल जाने लगते हैं और उन्हें गुड बाय कहकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद अंदर आकर वो सभी सोच रहे थे कि क्या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, और किंतु कहता है कि हमें ये बात अभी के लिए किसी को नहीं बतानी, क्योंकि इससे सबके बीच टेंशन हो सकती है, तो वो लोग मान जाते हैं। फिर उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर नीचे कैसे गिरा। वहां पर ना तो कोई एलियन था, तो गन चलने की आवाज क्यों आई। तभी सुनी को सोचुल की जेब से एक पर्ची मिलती है। उस पर्ची को देखने के बाद वो कहती है कि ये तो मेरी वोटिंग वाली पर्ची है जो कि मैंने कल वोट करी थी, और वो लोग सोचने लग जाते हैं कि ये पर्ची यहाँ क्या कर रही है। उनमें से एक लड़की कहती है कि क्या तुमने नोटिस किया था, वो आजकल अजीब बिहेव कर रहा था। और चीन को भी याद आता है कि उसने कुछ टाइम पहले उसको किसी से बहस करते हुए सुना था, पर वो अभी किसी को कुछ नहीं बताता। उसके बाद हम देखते हैं ये सभी लोग वापस से बेस पर पहुंच गए थे और वहां पर एक डेड बॉडी को लाते हैं। वो लोग उनसे पूछते हैं कि सोचुल कहाँ है, वो दिखाई नहीं दे रहा। और तभी वो लोग उस बॉडी के ऊपर से कपड़ा निकालते हैं और देखते हैं कि वो तो सोचुल है, और रोने लग जाते हैं। उसके बाद वो सभी उसकी बॉडी को दफना देते हैं। अंदर आकर चीयुल युजुंग को वोटिंग वाले पेपर दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है। सुन यू सबको कहने लग जाती है कि वो हमारे वोटिंग रिजल्ट को चेंज करता था
ताकि हम लोग यहीं रुक जाए। ये सुनकर वो आपस में बहस करने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं है, और फिर उनमें से एक पूछता है कि आखिर वो मरा कैसे, वो तो तुम लोगों के साथ था ना। तो चीयुल कहता है कि उसके मरने से पहले मैंने उसे किसी के साथ बहस करते हुए सुना था, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो किससे बात कर रहा था, और क्या पता ये एक्सीडेंट ना हो। वो लोग फिर से आपस में बहस करने लग जाते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि हम में से किसी ने उसे जानबूझकर मारा। फिर सुनयू कहती है कि पहले हम वोटिंग के बारे में देखते हैं, और युजुंग से पूछते हैं कि तुम्हें जरूर कुछ पता है, हमें बताओ। और फिर उनकी दोबारा आपस में बहस होने लगती है कि तभी कोनिल सबको कहता है कि ये काम मैंने और सोचुल ने मिलकर किया था, क्योंकि हम उन सभी एलियन को मारना चाहते थे और इसमें सारी गलती मेरी है। ये सुनकर हीरा कोनिल को मारने लग जाता है और कहता है कि और किसकी गलती है इसमें। तो उसके बाद जंगसू और युजुंग भी उनसे माफी मांगने लगते हैं। उन्हें देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सभी पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों करा। तभी कुंदु कहता है कि क्योंकि सी सेट का एग्जाम कैंसिल हो गया है। ये सुनने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और जंगसू को विश्वास नहीं हो रहा था और किमदुक से पूछता है कि ये झूठ है ना, ऐसे कैसे वो एग्जाम कैंसिल हो सकता है। वो ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वो सी सेट को अपनी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट मानता था। तो वो लोग हैरान होकर पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता, क्योंकि हमारा रेडियो तो काम नहीं कर रहा। तो वो बताते हैं कि आज कुछ दूसरे स्कूल के बच्चे आए थे और उन्होंने बताया कि हमें मैसेज मिला था कि एग्जाम कैंसिल हो गया है, और उनको कहते हैं कि जब उन्होंने हमारा रेडियो ठीक करने के लिए देखा तो उन्होंने बताया कि किसी ने इसके एक हिस्से को जानबूझकर तोड़ा है। जिसके बाद वो सभी उनसे पूछने लग जाते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। तो फिर कोनिल सबको बताता है कि एक दिन जब हम दोनों एक साथ ड्यूटी कर रहे थे, तभी हमें रेडियो में पता चला कि सी सेट का एग्जाम कैंसिल हो गया है, पर हम लोगों को वहाँ पर अपना मिशन जारी रखना है। तो जब कोनिल ये बात सभी को बताने जा रहा था, तभी सोचिन उसे मना करता है और कहता है कि अगर उन्हें ये बात पता चली तो वो लोग घर जाने के लिए जिद करेंगे, और इस हाल में हम सियोल भी नहीं जा सकते। इससे बढ़िया ये है कि हम यहाँ रुक कर ज्यादा एलियन को मारे। और उसके बाद फ्लैशबैक में हम बाहर युजुंग औरों को भी देखते हैं, जो जंगसू को बता रही थी कि ज्यादा लोग वापस जाने के लिए वोट कर रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो सभी लोग सियोल जाने लगेंगे। रास्ते में कुछ भी हो सकता है और मैं नहीं चाहती कि मेरा कोई और दोस्त मरे, इसलिए हमें वोटिंग में गड़बड़ करनी होगी। कि तभी वहाँ पर क्विनिल और भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोग ये अकेले नहीं कर पाओगे, हम इसमें तुम्हारी मदद करेंगे। और साथ ही उन्हें बताते हैं कि मैंने रेडियो को तोड़ दिया है क्योंकि सी सेट कैंसिल हो गया। अगर ये बात उन्हें पता चल जाएगी तो वो लोग यहाँ से जाने के लिए जिद करेंगे, इसलिए हमें उन सभी से ये बात छुपानी होगी। हम देखते हैं युजुंग उन सभी को समझाने की कोशिश करती है कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा कोई भी दोस्त मरे, इसलिए मैंने ये करा। पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते और कहने लग जाते हैं कि तुमने हमसे बिना पूछे ये फैसला कैसे लिया। वो लोग उनसे सॉरी बोल रहे थे, और तभी नारा आगे आकर कहती है कि तुम्हें ये बात हमें पहले ही बता देनी चाहिए थी, और वहाँ से चले जाती है। उसके बाद सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। हम देखते हैं यंगसू को इस बात का दुख नहीं था कि उन्होंने हमसे झूठ बोला, उसे तो एग्जाम कैंसिल होने का दुख था। फिर उसके बाद हम देखते हैं नारा अकेले बाहर बैठी हुई थी, और तभी वहाँ पर चियुल आ जाता है। तो वो उससे पूछती है कि हमें अब क्या करना चाहिए। तो चियुल कहता है कि हमें वापस शेल्टर चले जाना चाहिए जहाँ हमारे पेरेंट्स हैं। साथ में वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है वो कैसे मरा। दूसरी तरफ हम यंगसू को देखते हैं जिसने वहाँ पर अपनी सारी किताबें फाड़ दी थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि सभी लोग वापस जाने के लिए निकल जाते हैं, पर कोई भी उन लोगों से बात नहीं कर रहा था, तो वो भी उनके पीछे जाने लगते हैं। और जाते हुए सोच रहे थे जब से हमने गन उठाई है तब से हम कितना बदल गए हैं। फिर लास्ट में हमें यंगसू का वीडियो दिखाया जाता है जहाँ पर वो सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट की बात कर रहा था। तो चियुल उससे पूछता है कि आखिर तुम सी सेट के पॉइंट्स को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो। तो कहता है मेरे मॉम डैड सुबह से शाम तक काम करते हैं, और जब वो दर्द से चिल्लाते थे तो मैं ईयरप्लग लगाकर अपनी पढ़ाई करता था। वो और भयानक है, पर उससे ज्यादा गरीबी भयानक है, इसलिए मेरा अच्छे कॉलेज में जाना और किसी अच्छी कंपनी में जॉब लेना मेरी फैमिली के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और वहाँ से चला जाता है। ये सुनकर चील को काफी बुरा लगता है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, अभी के लिए इतना ही।